पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर की तरह ही मुजफ्फरपुर में भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो लोग किन्हीं कारणों से उड़ीसा के पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये मंदिर विशेष है। खास बात ये है कि मंदिर देखने में भी ठीक उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही है। 86 फीट ऊंचाई का ये जगन्नाथ मंदिर मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंतर्गत डिडुली गांव में है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भगवान जगन्नाथ का भक्त दर्शन कर सकते हैं। दरअसल उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के तर्ज पर बिहार में भी एक ऐसा ही मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर की ऐसी नक्काशी की गई है जैसे मानो ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर ही हो। जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत डिडुली गांव में प्रभु जगन्नाथ का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 86 फीट है और ये भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए काफी ज्यादा विशेष है। और साथ ही बता दें कि भक्त जो पुरी जाने में असमर्थ है वो यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े लाल बाबू प्रसाद का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 2009 से शुरू हुआ था, जो कि साल 2018 में बनकर तैयार हुआ और साथ ही 18 जून साल 2018 को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और साथ ही लाल बाबू प्रसाद बताते हैं कि ये बिहार का एकमात्र जगन्नाथ मंदिर है जो जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बना है। साथ ही लालू बाबू का ये भी कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए सभी कारीगर उड़ीसा से आए थे, उन्हीं लोगों ने इस भव्य मंदिर का निर्माण अपने हाथों से किया है जो कि देखने में काफी ज्यादा भव्य है और खूब सुंदर भी है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा विराजमान है। खास बात तो ये है कि इस तरह का मंदिर पूरे बिहार में केवल एक ही है और इसका निर्माण पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही किया गया है। साथ ही बता दें कि लालू बाबू इस मंदिर के संबंध में कई जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में प्रभु कृष्ण के पूरे परिवार जैसे उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और साथ ही उनकी माँ और भगवान खुद अपने रूप में हैं। यहाँ भगवान की तमाम लीलाओं को दिखाया गया है। साथ ही बता दें कि भगवान कृष्ण प्रभु जगन्नाथ के रूप में और उनकी माँ सुदर्शन के रूप में यहाँ हैं। साथ ही लाल बाबू ने ये भी बताया कि इस मंदिर का प्रमुख आश्रम खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर कोई भक्त पुरी जाने में सक्षम नहीं है तो वो यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही मंदिर की संरचना को उड़ीसा के ही जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है और साथ ही मुजफ्फरपुर के इस जगन्नाथ मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखने बनती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।